सो व्हाट्स अप बड्डी, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर गेम प्ले जीटी सीरीज। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के एपिसोड 21 में आपने देखा था, मैं गया था बैनी के गैरेज पे, तो मुझे वहाँ एक ट्रक मिलता है। मैं उस ट्रक का यूज करके मैं 3 कार चोरी करता हूँ, तो उसमें से मैं 2 कार चोरी करके बैनी के गैरेज के पास पार्किंग एरिया में सक्सेसफुली पार्क करता हूँ। और एक भाई मुझसे कार छूट जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पुलिस आ जाती है। हम लोग कैसे भी करके छुपते छुपाते एकदम एस्केप कर लेते हैं पुलिस से और हम लोग बच जाते हैं। तो बट ये दिक्कत हो जाता है कि हम लोगों ने उस टाइम मास्क नहीं लगाया था, बट कोई हम लोग को पहचाना नहीं होगा। तो यहाँ मैं आया आज थोड़ा सा अपने हेयर कट कराने, क्योंकि भाई मुझे आज जाऊंगा मास्क पहन के। तो यहाँ मैं फुली रेडी हो चुका हूँ, आप जिस तो मैं मंकी मास्क लगा चुका हूँ। और मैं इस मास्क में इसलिए लगाया हूँ कि मैं इस बार जाऊंगा वापस से उस एरिया में तो कोई मुझे पहचान ना सके। तो मैं जल्दी से इस ब्लैक एसयूवी में बैठता हूँ, निकलता हूँ। सच में ये एसयूवी बहुत मस्त है यार, आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की एसयूवी भाई, एक आर्मर्ड एसयूवी है। बट जल्दी चलते हैं पहले उस लोकेशन पे, तो मैं उस लोकेशन पे इधर ही शायद अपने ट्रक को छोड़ा। चलो यार फटाफट से चलते हैं, अपने ट्रक को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो शायद यार ट्रक में कोई बैठा है, यहाँ कोई हॉर्न मार रहा है। चलो देखते हैं भाई कौन बंदे हैं यार, देखते हैं। चलो पहले भाई उतर, तू ट्रक से पहले उतर, तू कौन है भाई? अबे भाई ये तो बालास गैंग के बंदे हैं यार, ये बालास गैंग के बंदे अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़े हैं यार। भाई उनकी कार मैं चोरी किया और वही शायद कार लेने आए हैं, कोई बात नहीं, तुझे भाई इनविटेशन दूंगा। चल बाहर निकल। और भाई देखो अच्छा उनके पास गन नहीं है, ये तो लोकल है भाई, एकदम क्या बताएं, इन लोगों का गन नहीं, सब नूबड़े छपरी जो भी कहो कमी पड़ेगा। तो इन लोगों को बहुत अच्छे से मैं फिनिश कर चुका हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ मैं दोनों बंदों को फिनिश कर चुका हूँ और मैं अपने ट्रक में बैठ चुका हूँ। इस एसयूवी को मुझे इधर ही छोड़ना पड़ेगा, बट मेरा मन नहीं कर रहा, बट कोई नहीं आया, मैं यहाँ अपने ट्रक को ला देता हूँ। ये क्या यार, यहाँ ये वैन किसका, ये पक्का बालास गैंग के बंदे यार। चलो इन लोगों को पहले शूट में मार देते हैं यार। देखो यार एक नहीं भाई, दूसरी वैन भी आ चुकी है। जल्दी से अपनी गन निकालता हूँ, देख सकते हो कितनी गंदी तो सारे यार। एक और वैन आ रही पीछे से यार, उसको भी फिनिश करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक करके दोनों वैन को वाले ड्राइवर को हेडशॉट मार चुका। अरे भाई ये कितने सारे वैन आ रहे हैं यार, इन लोगों को तो छोड़ने वाला नहीं। और एक पीछे से और वैन है यार, देखो यार ये बंदों को कहाँ से पता चला कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब भाई मुझे जल्दी से काम खत्म करना पड़ेगा। आगे से भाई कितने सारे बंदे आ रहे हैं बालास गैंग के यार, ये देखो यार, थोड़ा कवर लेके देखता हूँ। चलो यार 1, 2, 3 भाई कितने सारे भाई, एक ऊपर लैडर से चढ़ रहा है यार, उसको तुमको फिनिश करना पड़ेगा। यहाँ पहले डस्टबिन के कवर में आके देखता हूँ एम कर। अरे भाई मेरा एम सही नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं जल्दी से फिनिश करते हैं इन लोगों को। ये लो तो, अरे यार ये तो बच गया, मिस कर दिया, फिर से मिस कर दिया। अरे ये देखो ये जाएगा, ये भी गया। चलो ठीक है, ये भाई छुप छुप के सब मार रहे हैं यार, ये लैडर से तुम अपने टेरेस पे, भाई कैसे मैं इसको मारूं। चलो कोई बात नहीं, ये रूफ टॉप पे, चलो इसको हेडशॉट मारने की कोशिश कर। भाई बाहर निकल, अपना मुंडी दिखा, तुझे हेडशॉट मारूंगा। चल चल निकल बाहर, निकल बाहर निकल। अबे मैं यहाँ गोलियां बरसाया जा रहा हूँ। चलो यार उसको हेडशॉट लग गया, फाइनली हेडशॉट लग गया। अब जिस एक डस्टबिन के पीछे छुपा है, उसको भी हम लोग कवर में मार देते हैं। यहाँ सारे बंदे फिनिश गए, मैं यहाँ बैनी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ बैनी कहाँ रह गया यार, ये अच्छा वो चलो आ गया। चलो बैनी से बात करते हैं। अबे बैनी कहाँ था भाई? फ्रैंकलिन, ये बालास गैंग के बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई वो मुझे मारने आए थे क्योंकि मैं उनकी कार चोरी कर लिया था। चल ठीक है भाई, जल्दी से इस कार को उनको बेचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रैंकलिन मुझे एक कस्टमर पता है जो हम लोग की कार खरीद सकता है, वो इतना रिच है कि वो तीनों कार खरीद लेगा। पहले तू चल शिवांग के शोरूम पे, एक पहले ट्रेलर लेते हैं। ओके बैनी चलो, पहले जल्दी से शिवांग शोरूम में मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ एक ट्रेलर खड़ा था, चलो इससे ले लेते हैं यार। बट सीमोन से परमिशन ले लें? बात नहीं ले लो यार, वो अपना ही भाई है, क्या बोलेगा। चल जल्दी से ट्रेलर लेते हैं, कार लोड कराते हैं और बंदे को अपना कार बेचते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपनी पहली कार यहाँ लोड करा चुका हूँ ट्रेलर पे। जल्दी चलते हैं भाई, जो भी दोनों कार को भी लोड कराते हैं और जाते हैं पहले जो बैनी मुझे लोकेशन बताया, जो इस बंदे की भी लोकेशन बताया, उसको कार बेचते हैं और अच्छे पैसे लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो मैं ट्रेलर को भगाते हुए आ जाता हूँ बैनी के गैरेज पे। यहाँ से पहले टर्न करते हैं और यहाँ देख सकते हो मैं इन दोनों को भी लोड कराने वाला, पहले जल्दी से लोड कराते हैं। अब मैं चल पे नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो देख सकते हो यहाँ अपना कार भी लोड हो चुका है, अब बस मुझे जाना है इस कार को बेचने। तो बैनी जल्दी से आ भाई बैठ और मुझे बता भाई कहाँ जाना है और कितने पैसे मिलेंगे। बट जितने भी यार तीनों सुपर कार हैं और बैनी का बता रहा कि वो बंदा बहुत ज्यादा रिच है, बट मुझे क्या करना है, मुझे तो कार बेचने से मतलब है, पैसे से मतलब। यहाँ मैं उस लोकेशन पर आया तो यहाँ अपने शाम भी हो जाता है। तो देखते हैं कि ये भाई सच में बंदा बहुत ज्यादा रिच लग रहा है, इसके पीछे भाई कितने गार्ड हैं यार। चलो उससे बात करते हैं, बैनी यही है ना बंदा? यही बंदा है, जाओ से बात कर और पूछ कि कितने का ये तीनों कार लेगा। डोंट वरी बैनी, फ्रैंकलिन सब काम ठीक कर देगा, तू बस मुझे फॉलो कर और मैं यहाँ डील फिक्स कर रहा हूँ। सच में भाई उस बंदे के पास बुगाटी है क्या यार, लग रहा है भाई ये कार का शौकीन है, मुझसे क्या करना है। चलो मैं इसको कार यहाँ सेल कर देता हूँ और वो कहता है ये पैसे लो और जल्दी से यहाँ से निकल। तो भाई इतने सारे पैसे यार, इतने सारे पैसे तो क्या बताऊँ, कोई बात नहीं मैं सारे पैसे ले लेता हूँ अपने बैग में। चलो भैया ठीक है, हम जा रहे हैं, बाय बाय। और बैनी तू भी जल्दी से आ यार, यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं घर की तरफ, यहाँ रात भी हो चुकी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत इंजॉय किए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।